लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन में क्या पढ़ा था कि चार्ज और इससे आसपास जितने भी चार्ज हैं, एक चार्ज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, इनसे लगने वाला नेट फोर्स क्या था इसका वेक्टर सम था, वो आपने क्या पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मैं रिपीट करता हूँ, सुपर पोजिशन मतलब किसी एक चार्ज पर किसी एक चार्ज क्यू पर आस पास के चार्जों क्यू वन से क्यू टू क्यू थ्री और क्यू फोर से लगने वाला नेट फोर्स का एल्जेब्रिक सम क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाया। ठीक है ना, अब हम आज बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है कि भैया किसी भी एरिया किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन में कितना चार्ज है, इसे हम क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन क्या कहलाता है चार्ज डेंसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि चार्ज, मेरे पास रॉड है, पतली सी रॉड है, उसके एक इंच पर कितना चार्ज होगा वो भी क्या कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट के एक सेंटीमीटर या एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा क्या कहलाएगा वो भी चार्ज डेंसिटी। मेरे पास एक क्यूब है और क्यूब का एक सेंटीमीटर स्क्वायर या एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा वो भी क्या कहलाएगा चार्ज डेंसिटी। यानी कि चार्ज डेंसिटी कहां कहां पर समझ आएगी आपको, एक पतली रॉड पर, एक प्लेट पर और एक ट्यूब पर। अब उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज नोन एज अ चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी में तीन तरह के चार्ज, एक यदि मैं कहूँ कि मेरी रॉड है, ये मेरे पास एक पतली रॉड ठीक है, एक मेरे पास एक प्लेट है, एक प्लेट है ठीक है ना, और एक मेरे पास क्यूब है, एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है। अब इन पर इनके डायमेंशन पर चार्ज क्या होगा वो क्या कहलाएगा आपका चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब आते हैं लीनियर डेंसिटी के बारे में, समझ में आया होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गई, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, नंबर वन लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर थ्री वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ गई तीन चीजें। अब इसके सिंबल भी तो सिंबल याद रखने पड़ेंगे, सिंबल लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो। बात समझ आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लैम्डा। हाँ वही लैम्डा जो आप वेव लेंथ में यूज कर रहे थे, बिल्कुल वही लैम्डा, वेव लेंथ वाला सिंबल क्या है लैम्डा है ठीक है ना। चलिए अब लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, एक स्थिर रॉड में होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी कितना होगी एक थिन प्लेट में होगी, यहाँ पर सरफेस होगा एक्स वाई एक्सिस होगा, और जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ जाएंगे वहां पर क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अब चार्ज डेंसिटी निकले कैसे, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी मैंने ले लिया कि मेरे पास एक छोटा सा एरिया डी एल, ये डी एल क्या है डी एल, क्योंकि रॉड का छोटा सा एरिया डी एल, और इस पर चार्ज है डी क्यू, बहुत स्मॉल चार्ज कितना है डी क्यू। तो भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी के तरह चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ लीनियर चार्ज, मैं लिख देता हूं चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी ठीक है ना, एज लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखता हूं एज नोन एज लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको यदि हम बात करें कि डेल्टा से चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा चार्ज मतलब डी क्यू अपॉन डी
इसी तरह यदि मैं बात करूं इसमें मेरे पास ये एरिया कितना है डी ए एरिया है और यहाँ पर चार्ज कितना है डी क्यू चार्ज बताते डी क्यू तो जीरो कितना बन के आएगा जीरो बन के आएगा सर फिर चार डेंसिटी कब हाँ सबसे डेंसिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी चार्ज पर यूनिट सरफेस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या निकल के आएगी चार्ज पर यूनिट सरफेस सरफेस का पूछते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ चार्ज पर यूनिट सरफेस नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका सिंबल क्या हुआ सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए यहाँ पर ए आ रहा है ठीक है ना इसी तरह इसमें मैं कहूँ कितना छोटा सा लीजिए जो मैंने छोटा सा क्यूबॉइड दे लीजिए ठीक है इसमें चार्ज इस वाले में चार्ज कितना है डी क्यू चार्ज तो इस पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बनी कितने चार्ज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और इसका सिंबॉलिक फॉर्म बात करें तो क्या हुआ रो इक्वल टू डी क्यू स्मॉल क्यू का डी क्यू अपॉन डी वी डी वी क्या इसका वॉल्यूम है डी वी का क्या है वॉल्यूम जैसे क्या क्या है डी क्यू चार्ज है यहाँ वॉल्यूम के अनुसार ही होगा कितना होगा डी वी मीन वॉल्यूम मैं रिपीट कर रहा हूँ नेक्स्ट ऑफ डॉक्टर करेंगे इस प्रोसेस में क्या है चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट डायमेंशन अब डायमेंशन कौन कौन सी हो सकती है लीनियर हो सकती है एक लंबी रॉड के लिए दूसरा सरफेस हो सकती है रिप्लेट के लिए और वॉल्यूमेट्रिक हो सकती है किसी भी क्यूब के लिए लीनियर डेंसिटी कौन करते हैं लैम्डा से कौन करते हैं और लैम्डा के लिए हमें पता चलती है कि मेरे पास लंबी रॉड है उसमें कितना डी है उसकी लेंथ है तो उसमें चार्ज कितना डी क्यू है चार्ज डेंसिटी कितनी होगी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी है इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए सेम सेम और सेम फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वी फाइंड दैट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को बी रिप्रेजेंटेड बाय रो रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी दिस इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जय डेंसिटी